शास्त्रों में विधान शासन मंडली MLC के इलेक्शंस हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम में ग्रेजुएट्स के हो रहे हैं। इसके अलावा प्रकाशम, नेल्लूर, चित्तूर में ग्रेजुएट्स और टीचर्स के हो रहे हैं और कड़पा, कर्नूल, अनंतपुर में दोनों ग्रेजुएट्स और टीचर्स के हो रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना राष्ट्र में टीचर्स के हैदराबाद, पुराना जो डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी और महबूब नगर है, जिनके अभी 8 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, उनमें ये इलेक्शंस हो रहे हैं। इसकी वोटिंग कल सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक चलेगी। जो भी वोटर आएगा उसको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, जो वोटर आईडी कार्ड है, या उसके अलावा कोई दूसरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या उनका सर्विस कार्ड, या जो डिग्री होल्डर्स हैं उनकी ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह भी वो ला सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। जो भी फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स होंगे, जो कि देख नहीं सकते या लिख नहीं सकते, उनके लिए कंपेनियन की व्यवस्था भी जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा वो करेगा। इसी तरह से हर पोलिंग स्टेशन पे हमारा बूथ लेवल ऑफिस रहेगा जो आपको गाइड करेगा, और जो भी वोटर स्लिप आपको डिस्ट्रीब्यूट की है उसको यदि आप साथ में ले जाएंगे तो आपका नाम आसानी से जो वोटर जाबिता है, वोटर लिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। हर एक की फ़ोटो वोटर जाबिता में है, वोटर लिस्ट में है, इसलिए जो भी गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे का वोट देने की चेष्टा करेगा उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। कोई भी पोलिंग स्टेशन में अपना मोबाइल फ़ोन या कैमरा या ऐसी कोई वस्तु नहीं ले जाएगा जिसको ले जाने के लिए मनाही कर रखी है कमीशन ने। पूरे आंध्र प्रदेश स्टेट में ये 5 जो सीटें हैं उनके लिए 663,703 लोग हैं और 1,192 पोलिंग स्टेशन हैं। इसी तरह से तेलंगाना में 24,000 के करीब मतदाता हैं और 146 पोलिंग स्टेशन हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे हमने पुलिस की कड़ी व्यवस्था की है। इसके अलावा वोटर्स की सहूलियत के लिए पीने का पानी, वहाँ पर सैनिटेशन की व्यवस्था, शामियाना, और जो भी फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हैं उनके लिए रैंप वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। हर पोलिंग स्टेशन पे आपको कहाँ पर आपकी पोलिंग स्टेशन है ये आपको वोटर स्लिप द्वारा हमने बताया है, उसी पोलिंग स्टेशन में आपको जाना है, दूसरी जगह नहीं जाना है। और यदि आपको वो नहीं मिलती है तो हमारी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, जो CEO तेलंगाना या CEO आंध्र प्रदेश की वेबसाइट है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपकी पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है, उस हिसाब से आप वहाँ पर जा सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपको वोट देने के लिए ज़रूर जाना है। किसी भी तरह का कोई ज़बरदस्ती करता है या कुछ ऐसी आपको चेतावनी देता है तो उसके बारे में हमें सोचना दीजिए। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो है 1950 1950, तो इसके ऊपर यदि आप सूचना देंगे तो आपको ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। यदि आपका पोलिंग स्टेशन नहीं मिल रही है तो भी आप इससे 1950 से भी आप पूछ सकते हैं कि आपकी पोलिंग स्टेशन कहाँ पर। CCTV कैमरे का क्या व्यवस्था किया सर? हर पोलिंग स्टेशन में लाइव वेबकास्टिंग, जिसको हम बोलते हैं कि पोलिंग स्टेशन में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कौन वोट दे रहा है, कहाँ पर है, कौन सा आदमी है, उसका पूरा चेहरा सब कुछ हमें लाइव वेबकास्ट में दिखाई देगा। और ये लाइव वेबकास्ट है, ये पूरे के पूरे करीबन 1200 पोलिंग स्टेशन आंध्र प्रदेश में और 146 पोलिंग स्टेशन तेलंगाना में हमने व्यवस्था की है।